अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सर्वेंद्र नारायण राय, प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर महादेव इंटर कॉलेज क्राइस्टनगर वाराणसी। आज नवरात्र का पहला दिन है और आपको हिंदू नवलों द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? हिंदू नववर्ष सारे लोगों को मंगलमय हो, यह मेरी शुभकामना है। शिक्षा जगत से संबंधित जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके प्रति यह नव वर्ष की मैं मंगल कामना करता हूँ। हम लोगों के कंधे पे जो गुरुतर दायित्व दिया गया है या प्राप्त हुआ है, उसके निर्वहन के लिए जिले के सारे प्रधानाचार्यों को एकजुट होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और चूंकि विद्यालय का मुखिया प्रधानाचार्य होता है, इसलिए मेरे दृष्टिकोण से समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्यों की ही है, जिसके कारण जो अभिभावकों के मन में यूपी बोर्ड के प्रति अविश्वास चल रहा है उसको बदलने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। प्रबंधक और प्रधानाचार्य का सामंजस्य भी अति आवश्यक है मेरे दृष्टिकोण से, उसके तरफ मैं लोगों को जागरूक करूंगा। प्रधानाचार्य परिषद के लोग हमारे यहाँ आए काशी कृषक इंटर कॉलेज में, बहुत ही अच्छा लगा कि ये लोग जो है इनके मार्गदर्शन में हम लोग जो है जुड़ेंगे। कोई भी जो समस्या रहेगी हम लोग जो है, चूँकि ये लोग जो है हम लोग के अग्रज हैं, पूरा अनुभव है, इनके पूरे अनुभव को लाभ हम लोग जो है लेंगे और इस विद्यालय को जो है अधिक से अधिक ऊँचाइयों पर हम ले जाने का प्रयास करेंगे। आप प्रिंसिपल का दायित्व मिला है, अभिभावकों को कैसे समझाएंगे? अभिभावक का विश्वास हम लोग जीतेंगे जो अपने कार्यशैली के द्वारा। अध्यापक लोग जो भी जो है क्लास में समय से जाएंगे, पढ़ाएंगे, पहले भी पढ़ाते ही थे, लेकिन थोड़ा सा जो स्मार्ट क्लास वगैरह जो है जुड़ा हुआ है उसको जो है संचालित हम लोग जो है करवा रहे हैं, उससे जो है और बच्चों का और अभिभावकों का भी जो है विश्वास इस प्रकार से जीतेंगे हम लोग। मैं छत्रपति पांडे, प्रधानाचार्य श्री बलदेव इंटर कॉलेज बड़ागांव वाराणसी। आज हमारे यहाँ प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारी लोग आए हैं और इन्होंने हमारा स्वागत किया है। मैं इनको हृदय से हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारा यूपी बोर्ड बहुत ही विशाल बोर्ड है, हम लोग इसको पूर्ण प्रयास के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और हमारा बोर्ड में हम लोग जो पठन पाठन है वह भी बहुत ढंग से करवाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे अच्छे निकलते हैं, हमारे यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बहुत बच्चे हमारे विद्यालय से हुए हैं और वो लोग अब तो रिटायर भी हो गए होंगे। बोर्ड पे हमेशा प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो उसको कैसे आप तंदुरुस्त करेंगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, ये लोगों का भ्रम है। हमारे यहाँ नियमित घंटियाँ चलती हैं हमारे बोर्ड में, अन्य बोर्ड हमारे यहाँ अच्छे टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर आयोग से आते हैं और हम लोग पूर्ण प्रयास के साथ घंटा चलवाते हैं, छात्रों का उत्साह वर्धन करते हैं और गैर शैक्षणिक और अन्य क्रियाकलापों में, खेल कूद में और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उनको हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।